नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीते एक साल से देश के ऑटो सेक्टर में लगातार संकट का दौर देखने को मिला है। भारत की आर्थिक सुस्ती के पीछे एक बड़ा वजह यह भी बताया गया कि ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है। इसी बीच अब प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2020 से BS6 एमिशन स्टैंडर्ड को लागू किया जाएगा। प्रमुख तेल उत्पादन कंपनियां भी नए BS6 इंजन के लिए अपने रिफाइनरीज को अपग्रेड कर BS6 ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तैयारी में हैं। साथ ही मोटर व्हीकल कंपनियां भी इसके लिए तैयारी में जुटी हुई हैं। इसके पहले देश में BS4 एमिशन स्टैंडर्ड लागू था। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने BS5 एमिशन स्टैंडर्ड को छोड़कर BS6 को लागू करने का फैसला लिया है। ऐसे में BS6 स्टैंडर्ड को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह की बातें और सवाल हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये BS4 और BS6 क्या है और प्रदूषण पे इसका कैसा असर पड़ता है। दरअसल वर्ष 2000 में भारत सरकार ने इंटरनल कम्बस्टेबल इंजन से वायु प्रदूषकों पर नज़र रखने के लिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड को पहली बार पेश किया था। इंटरनल कम्बस्टेबल इंजन यानी कि हर वो इंजन जिसमें ईंधन जला के ऊर्जा बनाई जाती है, चाहे वो विमान का इंजन हो, पानी में चलने वाली जहाज का, या फिर रोड पे चलने वाली कोई वाहन का। इसी तरह से भारत में क्रमशः BS2 और BS3 स्टैंडर्ड को 2001 और 2005 में लागू किया गया था। इसके बाद अप्रैल 2010 में BS4 एमिशन स्टैंडर्ड पूरे 13 प्रमुख शहरों में लागू किए गए। आखिरकार अप्रैल 2017 में BS4 स्टैंडर्ड को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया। इन पहले से ही स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड होने के बावजूद भारत वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए सरकार ने BS5 स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से छोड़ने और अप्रैल 2020 से BS6 स्टैंडर्ड को लागू करने का फैसला किया है। यह भारत को अमेरिका और यूरोपीय इमिशन स्टैंडर्ड के अनुरूप लाएगा। दोस्तों, जब वाहनों के इंजन में ईंधन जलती है तो भारी मात्रा में सल्फर का उत्पादन होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में हानिकारक प्रदूषकों का उत्पादन होता है। BS6 ईंधन में सल्फर सामग्री 10 मिलीग्राम पर केजी के बराबर है, जबकि BS4 ग्रेड इंजन में सल्फर सामग्री 50 मिलीग्राम पर केजी के बराबर है। कम सल्फर सामग्री का मतलब स्वचालित रूप से ग्रीनर और क्लीनर ईंधन है, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्पादन को कम करता है। दोस्तों, तो अब क्योंकि आपको पता चल गया है कि BS6 और BS4 में क्या अंतर होता है, आइए कुछ ऐसे सवालों के जवाब को समझते हैं जो आपके मन में उठना लाजमी है। पहला, क्या होगा जब आप BS4 कार में BS6 ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास BS4 इंजन वाली कार है तो भी आप इसमें BS6 ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर ईंधन में सल्फर लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए BS6 ईंधन में एक्स्ट्रा एडिटिव्स होंगे जो इंजन में लुब्रिकेंट का काम कर सकें। दूसरा सवाल, क्या BS6 इंजन BS4 ईंधन पर काम करेगा। दोस्तों, एमिशन लेवल तभी मेंटेन किया जा सकेगा जब BS6 इंजन में BS6 ईंधन का ही प्रयोग किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रदूषण के लिहाज से हमें कोई फायदा नहीं है। हालांकि एक BS6 इंजन की कार BS4 ईंधन पर काम कर सकती है, लेकिन यह BS6 एमिशन स्टैंडर्ड का अनुपालन नहीं होगा। तीसरा, क्या BS6 ईंधन महंगा होगा। दोस्तों, नए स्टैंडर्ड के आधार पर ईंधन बनाने के लिए तेल रिफाइनरी कंपनियों को अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करना पड़ा है। इस अपग्रेडेशन पर होने वाले खर्च का कुछ बोझ रिटेल कस्टमर्स पर डाला जाएगा। कई प्रमुख कंपनियों ने इस बारे में जानकारी दी है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि BS6 स्टैंडर्ड वाले ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी ही होगी। चौथा सवाल, क्या आप अपनी पुरानी कार को BS6 स्टैंडर्ड के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं? दोस्तों, किसी पुराने वाहन को BS6 स्टैंडर्ड के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका खर्च बहुत अधिक होता है। साथ ही भारत में ऐसा करना गैरकानूनी है, तो आप ऐसा करने के बारे में ना सोचें। पांचवा सवाल, क्या BS6 वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी? हाँ दोस्तों, भारतीय रोड पर चलने वाले BS4 और BS6 दोनों ही इंजन वाले वाहनों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि PUC की ज़रूरत होगी। इसका प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में भी है। छठा सवाल, 1 अप्रैल 2020 के बाद BS4 वाहनों का क्या होगा? दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 के बाद BS4 वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। हालांकि पुराने BS4 वाहनों को चलाने की अनुमति होगी। अभी तक इसे बंद किए जाने के बारे में कोई भी डेडलाइन तय नहीं की गई है। सातवां और आखिरी सवाल, वाहनों के माइलेज पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, दोनों इंजन में तुलना करने पर माइलेज में मामूली अंतर ही है। टेस्टिंग के दौरान BS6 इंजन वाली मारुति स्विफ्ट डिजायर का माइलेज 21.21 किलोमीटर प्रति लीटर था, जबकि BS4 वाले इंजन के साथ यह 22 किलोमीटर प्रति लीटर था। इस प्रकार दोनों इंजन वाली वाहनों के माइलेज में मामूली अंतर ही है। दोस्तों, हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।